आपको अगर मान लो आपके घर पे किसी का बर्थडे है तो उसको आप कुछ तो दोगे, 100 रुपए की चॉकलेट लाके दोगे, उसको बोलना मैं तुझे 100 रुपए की चॉकलेट नहीं दूंगा, आज मैं तुझे शेयर दूंगा, इनाम उसको गिफ्ट में शेयर दे दो। गिफ्ट में शेयर कैसे देते हैं, उसे खरीद लो अपने पास रखो, फिर जब वो बड़े एक दिन मौका आएगा बड़े करे बहुत अच्छा हो जाएगा शेयर, उसके बाद उसे बेचकर एनकैश करके उसे गिफ्ट दे देना, ये तो कर सकते हो। तो आप डरते क्यों हो शेयर खरीदने से, किसी को गिफ्ट देना है, चल भैया तेरे लिए मैंने शेयर खरीद लिया, अब ये तेरा शेयर मेरे पास है, किसी दिन बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा तो उसे बेच के तुझे मैं गिफ्ट ले दूंगा बड़े वाला, ठीक है, आज तुझे चॉकलेट खरीद सकता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में इसी चॉकलेट नहीं इससे तो मैं कुछ और बड़ा खरीद लूँ, मोबाइल खरीद के दे दूँ, इतना पैसा भी बन सकता है, हो तो कुछ भी सकता है, बट ये चांसेस काफी अच्छे हैं। बेवजह वेस्ट कर रहे हो अपने पैसों को तो शेयर खरीद लो, 100 रुपए में भी एक शेयर आता है, 50 रुपए में भी एक शेयर आता है। अगर आपको लगता है कि मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता, बट खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें हैं साहब, अगर गौर कर लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी, बता रहा हूं।